वक्त की बड़ी खबर मेरठ से आ रही है। मेरठ में जो शपथ ग्रहण समारोह में आप देख सकते हैं कि किस तरह हंगामा हो रहा है। यहाँ पर एक दूसरे पर जो मारा जा इस वक्त हम मौजूद है मेरठ के CCS कैंपस में, जहाँ आपको बता दें कि शपथ समारोह था, जिसको लेकर आज यहाँ पर वंदे मातरम हुआ, उसके बीच में दो बार हुआ है और उसके बीच में झगड़ा हो गया है, जिसको लेकर काफ़ी आपस में तनाव मौजूद था। आइए, जो जिनका झगड़ा हुआ है, MIM वालों की जो टीम थी वो यहाँ पर मौजूद थे, पार्षद मौजूद थे, आइए उनसे बात करते हैं क्या पूरा मामला है। मेरा नाम इमरान अंसारी, महानगर अध्यक्ष MIM। क्या मामला हुआ, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? कि झगड़ा हमारा कोई मामला नहीं था साहब, वहाँ पर वंदे मातरम गाया जा रहा था, हम सम्मान के साथ खड़े हो गए, लेकिन बीजेपी वाले विवाद चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि दोबारा होगा, तो दोबारा जबरदस्ती दोबारा खड़ा करने की कोशिश की गई। हमारे लोग नहीं खड़े हुए, तो बीजेपी के लोगों ने गुंडागर्दी की है। हमारे पार्षद दिलशाद, ये वार्ड 75 के पार्षद है, इनके साथ मारपीट की है। हमारे महासचिव महानगर के इरशाद अलमा साहब के साथ मारपीट की है। अगर पुलिस ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया जिस समय मेरे साथ मारपीट हो रही थी, वीडियोग्राफी में सब कुछ आप देख लीजिए। मेरा नाम मोहम्मद दिलशाद है। आपका नाम? मैं वार्ड 71 से पार्षद फजल करीम। क्या मामला हुआ था? मामला ये हुआ था कि वंदे मातरम चल रहा था, हमने वंदे मातरम नहीं बोला, जो हमारा कानूनी संवैधानिक अधिकार है। हम हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेंगे, जय हिंद बोलेंगे, हिंदुस्तान की जिंदाबाद करेंगे, लेकिन जय श्री राम का समर्थन और वंदे मातरम का समर्थन हम नहीं करेंगे। यहीं से विवाद शुरू हुआ। इसमें मारपीट किसके साथ हुई? हमारे पार्षदों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, बीजेपी के वर्करों ने, नेताओं ने मारपीट की है, बहुत ज़्यादा बदतमीजी की है। कितने लोग इसमें घायल हुए? 3-4 लोगों के चोटें हैं। ये विगत में संपन्न हुए नगर निकाय चुनाव में चुने गए पार्षदों और महापौर के शपथ ग्रहण की प्रक्रिया आज चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के सभागार में प्रस्तावित थी। कार्यक्रम के प्रारंभ में वंदे मातरम गीत को लेकर AIMIM के कथित पार्षदों द्वारा कुछ आपत्ति की गई, जिसका वहां पे मौजूद अन्य पार्षदों के द्वारा विरोध किया गया और विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। मौके पे मौजूद पुलिस के द्वारा तत्काल इन लोगों को बाहर कर दिया गया। शपथ ग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। नहीं, कई ऐसे नॉर्मल प्रक्रिया होती है, कुछ लोगों के शपथ जो आज नहीं ले पाते हैं वो बाद में पुनः शपथ ले सकते हैं। सर, जिन लोगों के बीच में झगड़ा हुआ है, क्या उन पर कार्रवाई होगी? सर, अब इसमें कोई तहरीर प्राप्त होगी तो निश्चित रूप से जांच कर आगे कार्रवाई की जाएगी। सर